वेलकम स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। आज हम क्लास 8 केमिस्ट्री चैप्टर 4, जिसका नाम है मेटीरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा, राइट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है। तो फर्स्ट है बेटे, मेटल्स कैन बी ईजली कोरोडेड। मेटल का कोरोजन जल्दी से होता है या आसानी से होता है। कोरोजन क्या होता है? किसी मेटल का नष्ट हो जाना या खाया जाना, वह कोरोजन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसको रस्ट बोलते हैं। कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है, सिल्वर का कलर फेड होके यानी ब्लैक हो जाता है बेटा। ये सभी कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। तो पहला अपना एग्जाम्पल है बेटा कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। बेटा कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इक्वेशन है, 4 Fe आयरन लिए प्लस 3 O2 ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर, और क्या बना, 2 mol Fe2O3 into XH2O। आयरन का कोरोजन इस कंपाउंड के कारण होता है। दूसरा एग्जाम्पल है कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर इस कंपाउंड के कारण होता है बेटा। इक्वेशन को देखें तो 2 copper metal प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस ऑक्सीजन, और ये कंपाउंड बन गया। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा कोरोजन ऑफ सिल्वर, वो इसके कारण होता है बेटा Ag2S के कारण, ब्लैक कलर हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिएक्शन एलिमेंट के साथ ऑक्साइड बनाती है। यहाँ एलिमेंट मेटल हैं, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जनरली मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। जनरली क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ मेटल हैं, जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, टिन है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ देखो बेटा, मैग्नीशियम को रिएक्शन ऑक्सीजन से किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये बेसिक है। मैग्नीशियम की जगह हम Ca कैल्शियम भी ले सकते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं। अपनी क्लास में यहाँ इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है बेटा। थर्ड है बेटा रिएक्शन विद वाटर। मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटलिक हाइड्रोक्साइड बनता है। जनरली इसलिए लिखा है, कभी कभी ऑक्साइड भी बनाते हैं, और ये बेसिक होते हैं जनरली बेटा। कुछ मेटल एम्फोटेरिक भी बनाते हैं। रिएक्शन देखो बेटे, सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है और प्लस हाइड्रोजन। सोडियम की जगह हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, रूबीडियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। फोर्थ बेटा रिएक्शन विद एसिड। जनरली ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। बेटा पॉप साउंड क्या होती है? जैसे पटाखे की आवाज़ होती है, इस टाइप से होती है बेटे पॉप साउंड। सोडियम की रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अन्य Cl प्लस हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड बनती है। ऐसे ही बेटा मैग्नीशियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ MgSO4 प्लस H2 बनता है। ऐसे ही हम और भी कंपाउंड ले सकते हैं बेटा।
फिफ्थ है बेटा, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं एक या ज़्यादा बेटा, वन और मोर। एग्जाम्पल है सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम एक्सेट्रो। और याद रखना बेटे, लिथियम है दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बेटा, मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करता है, यानी ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। यहाँ हम देखें तो जिंक को रिएक्शन करते हैं हम कॉपर सल्फेट से, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर की जगह जिंक आ गया, जिंक सल्फेट बन गया प्लस हाइड्रोजन प्लस कॉपर बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।